अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी जॉब इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि पहले भी मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको न्यू जॉब्स के बारे में इन्फॉर्म किया, आपको बताया कि आपने कैसे अप्लाई करना है, वेबसाइट बताई है, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितनी होनी चाहिए, सब कुछ बताया है आपको मैंने। आज भी मैं आपको बताऊंगी, हमारे पास बहुत सी जॉब की इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। ये देखिए, हमारे पास पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में, म्यूचुअल फ्रूट फॉर्म्स लिमिटेड इंटर्नशिप प्रोग्राम में, इसके बाद शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल्स में भी आई हुई हैं, सिविल हॉस्पिटल्स में भी आई हुई हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भी, इसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, जनरल हॉस्पिटल में भी आई हुई हैं। अब मैं बताऊंगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ये देखें, यहाँ पे हमें इन्होंने जो लिंक दिया हुआ है इसको अपने हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद इधर आप अपने गूगल क्रोम में आ जाएंगे। गूगल क्रोम में आने के बाद आप ये देखें, यहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसकी जो लास्ट डेट है सबसे पहले वो 23 मई की है। ये फुल टाइम जॉब है, जॉब इंडस्ट्री मैनेजमेंट जॉब है। ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है? शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। और जो इसकी वैकेंसी लोकेशन है, लाहौर पंजाब पाकिस्तान की है। इसको अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशन मास्टर MBBS होनी चाहिए है। गवर्नमेंट, ये जॉब गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की जॉब है। आपको दोबारा बता दूँ, इसकी लास्ट डेट 3 मई 2022 है और इसकी फुल टाइम जॉब है ये शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ऑर्गेनाइज की गई है। वैकेंसी लोकेशन इसकी लाहौर पंजाब पाकिस्तान की है। और इसको अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशन मास्टर MBBS की होनी चाहिए है। इसके बाद आपको बता दूँ कि आपकी पोजीशन क्या होगी। पार्ट टाइम कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, विजिटिंग कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, सीनियर इंस्ट्रक्टर पोजीशन, सीनियर इंस्ट्रक्टर एनास्थेसिया, सीनियर इंस्ट्रक्टर ब्रेस्ट सर्जरी, क्लिनिकल एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हेड एंड नेक सर्जरी, इन्फेक्शियस डिजीज मेडिकल ऑन्कोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयर, इन्फेक्शियस डिजीज और पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। ठीक है, आपके पास कैसे अप्लाई करना है? आपने अपनी एप्लीकेशन को आपने अपनी CV शेयर करनी है, ईमेल एड्रेस शेयर करना है एंड मेंशन द पोजीशन अप्लाइड फॉर इन द सब्जेक्ट लाइन। अपनी सब्जेक्ट बतानी है, क्या आपका क्या सब्जेक्ट है। इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट में किया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।